वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईट का प्रयोग, ठीक है बच्चे। यहाँ बात करें, जो भी आपने पहले से पढ़ा है, ईट का अंग्रेजी बोलने में क्या यूज है, ईट से आप राइटिंग कैसे करोगे, ईट से आप कैसे सेंटेंस बोलोगे। बेसिकली ईट जो वर्ड है, इस ईट वर्ड को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। बेसिकली बात करें तो ईट एक प्रोनाउन है, ईट इज अ प्रोनाउन, और इसे हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होगा कि जैसे सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट का अभाव हो तो हम ईट से काम कर सकते हैं। बेसिकली आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते होंगे या बचपन से पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल भारत में नहीं है कि जो आपको यह सिखाया कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है। अगर होता है तो इतने बच्चे बैठे हो, मुझे बताओ कि ईट में नॉन लिविंग में कौन सा एग्जाम्पल तुम्हारे पास है? क्या यह एक कलम है तो क्या ईट इज अ पेन बोलोगे, दिस इज अ पेन बोलोगे, क्या बोलोगे, दिस इज अ पेन? तो अगर ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हो तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहां तुम ईट लगा सकते हो? बेसिकली बहुत सारे टीचर्स हैं जो कहते हैं ईट का प्रयोग नॉन लिविंग में, बच्चा बोलता है कहां करते ईट का प्रयोग, नॉन लिविंग में। तो कहां नॉन लिविंग, कैसा नॉन लिविंग, कोई एक भी एग्जाम्पल है तुम्हारे पास? यह एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, किट इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। तो ईट आता फिर कहां है भाई? तो ईट का प्रयोग कहां करना वो समझना। बेसिकली मैं बात करूं तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन ईट जो है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में नहीं आता, ईट हमेशा दिस के बदले में आता है। ये समझना गौर से, दिस का मतलब भी है और ईट का मतलब भी है। जिस सेंटेंस हमने कहा कि, मान लो हमने कहा हिंदी में कि यह एक टेबल है, और फिर हमने कहा कि यह लाल है, सुनना गौर से, तो यह एक टेबल है या लाल है, दो क्लाउज हो गया। तो पहला जो क्लाउज होगा, पहले क्लाउज के लिए बोलेंगे दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। अब बोलना यह लाल है, तो यह जो टेबल है, यह एक टेबल है और यह लाल है, तो टेबल हो गया नॉन लिविंग। तो इसका रिपीटेशन यह कर रहा है, देख रहे हो, इसका रिपीटेशन यह कर रहा है ना भाई। टेबल के लिए आया, लाल कौन है, टेबल, तो उस टेबल को रिपीट ना करें इसलिए हम क्या लगाते हैं, इट इज रेड, इट इज रेड। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम है नाउन के रिपीटेशन को रोकना। यह बात बच्चा समझ नहीं पाता, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। तो बेटा यहां पे नाउन क्या है, टेबल, तो टेबल के रिपीटेशन को रोकता है, वहीं पे हम ईट का प्रयोग करते हैं, राइट। तो टेबल का रिपीटेशन कौन हुआ, यह लाल है, यह कौन, टेबल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज रेड। समझो, हमने कहा कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, यह काला है, तो मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, हमने बोला आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, हमने बोला यह काला है, तो क्या बोलेंगे, इट इज ब्लैक, है जी। हमने बोला मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय, यह काली है, तो क्या बोलेंगे, इट इज ब्लैक। अब आप बात सुना रहा है, तो हमने कहा कि मेरे पास एक गाय है, यह काली, तो यहां पे गाय का रिपीटेशन कौन कर रहा है, इट। तो बेसिकली जो हम लोग बोल देते हैं कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ईट का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं। ईट बेसिकली है क्या, प्रोनाउन, तो ईट जो है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं। लिख रहे हो सब लोग, ईट का जो सेकंड फेज है उसकी बात करें, ईट का हमने पढ़ा एक प्रयोग, ईट का दूसरा प्रयोग बच्चे वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ईट का प्रयोग आप कर सकते हो टाइम के साथ। ईट के साथ इज लगाओ, वाज लगाओ, ईट हमेशा होता है सिंगुलर, इसलिए ईट के साथ कभी कभी प्लूरल नहीं आता, हमेशा इज आएगा या फिर वाज आएगा या विल भी आ सकता है। अब इसके साथ लगा देना टाइम, टाइम के बाद लगा सकते हो आवर, आवर के साथ लगा सकते हो डे, मंथ, ईयर,
है ना, कुछ भी लगा सकते हो, ईयर या कोई इवेंट या एनिमल्स, कोई भी नेचुरल नेचुरल इवेंट, बस फिर हो। तो यहाँ पे आप इट का प्रयोग कर सकते हो, तो इट का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो। आपको देखना ये है कि होना चाहिए सिंगुलर प्लस इज या वाज वर्ब सिंगुलर, टाइम आना है, आवर डे मंथ ईयर इवेंट एनिमल नेचुरल इवेंट्स, कहीं हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेंस निकालिए, लिख लिया इसको। अब ध्यान दें कि इट का प्रयोग हम लोग करते हैं टाइम के साथ। जैसा आप बोलना जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना था, क्या हो गया, ईयर मंथ हो गया। आपको बोलना 1980 का साल था, जाड़े का दिन दिन हो गया, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज रविवार है, है ना, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, जनवरी का महीना, मार्च का महीना, 1980 का साल, वर्षा ऋतु, जाड़े का दिन, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। जितना भी अंग्रेजी बोलना चाहो उतना बोलो, जितना भी लिखना चाहो उतना लिखो, बस देखना ये है कि यही सब सारे सेंटेंस प्रयोग किए जाएंगे। अब ये सब प्रयोग किए जाएंगे तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट की जरूरत है। अब देखते हैं गौर से, फटाफट लिख लिया यहां तक। अब मैं इसको आपको समझा रहा हूं कि आप इसको कैसे स्ट्रक्चरली बोलोगे। जैसे देखो, मैंने कहा ए आपका बना दिया वॉच, वॉच में देखो बच्चे कितना बजा, अभी 3 बज गया, राइट। अब 3 बज गया, अब बोलो ए सुई मिनट वाली, ए जब आगे जाएगी तो टाइम ज्यादा कि कम, ज्यादा। तो टाइम अगर ज्यादा हो तो पास्ट का प्रयोग करना, ए बोलो पीछे आएगा तो टाइम कम कि ज्यादा, कम। तो कम हो तो टू का प्रयोग करना, क्लियर, कम हो तो टू का प्रयोग करना और ज्यादा हो तो पास्ट का प्रयोग करना। अब ध्यान देना, एक घंटे में कितने मिनट, 60 को डिवाइड किया 4 से, कितना कटा, 15 को बोलना क्वार्टर, डिवाइड कर दिया तूने 60 को 2 से, कितना बचा, 30 को बोलना हाफ, डिवाइड किया 60 को, 5 का मल्टीपल है, 5 10 15 20 60, 5 के मल्टीपल है कि नहीं, तो इसके साथ मिनट शब्द का प्रयोग मत करना, लिख लो फटाफट जल्दी से, फटाफट करो, टाइम नहीं है। टाइम 5 के मल्टीपल हो, जैसे 5 हो 10 15 20 25 30 35 40 60 तक, तो मिनट शब्द का यूज नहीं करना, लिख लो इसको यूट्यूब वाले। यदि टाइम 5 के मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे, 5 का टाइम मल्टीपल हो तो मिनट शब्द का यूज नहीं करेंगे, एग्जाम ही पूछता है। और यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो, जैसे बोलना हो 5:07, जैसे बोलना हो 5:12, 5:17, 5:23, तो बोलो 5 के मल्टीपल है क्या, तो लिखो इसमें कि यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द जरूर लगाते हैं, यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द जरूर लगाते हैं, यदि टाइम 5 के मल्टीपल ना हो तो मिनट शब्द जरूर लगाते हैं। अब करके देखते हैं अंग्रेजी, यहां तक आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे और फटाफट से अभ्यास करो। हमने आप दो बातें कही, 5:10 हुआ है, या हमने बोला 5:15 बाकी है। अब बोलो 5:10 हुआ है, आपके पास स्ट्रक्चर क्या था, इट प्लस इज या वाज प्लस टाइम प्लस आवर, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। तो 5:10 हुआ है, बोलो ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में क्या लगाते हैं, तो आपने कहा इट इज, अब इट के साथ इज लगा दिया। अब बोलो टाइम लगाना छोटा वाला, तो 10 मिनट पहले मिनट टाइम आएगा तो ना बढ़ाएगा, तो पहले टाइम, तो इट इज कितना ज्यादा, 10 मिनट, तो इट इज 10 पास्ट, कितना भाई 5, तो इट इज 10 पास्ट 5, 5:15 बाकी है, तो इट इज, अब बाकी का मतलब कम हो गया, तो कम हो गया तो 2, तो इट इज कितना 15:05। अब ध्यान बच्चे, तो 15 चाहे तो ऐसे लिखो या 15 लिखो, 5 ऐसे लिखो चाहे 5 ऐसे लिखो, तो 15 टू
5। अब ध्यान दो, हमने कहा 5:15 बाकी है, इस 15 मिनट को तुम क्वार्टर भी तो कह सकते हो, तो क्या इट इज 4:45। अगर यहां पर रहता कि 5:15 हुआ है तो क्या करते यहां पे, इट इज 4:15 या इट इज 5:15, 5:15 या 5:15। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया मुद्दा, अच्छी बात। अब हमने कुछ सेंटेंस दिया आपको, हमने सेंटेंस दिया मार्च का महीना था, स्ट्रक्चर वही लॉलीपॉप होगा, तो मार्च का महीना था तो इट, अब था तो वाज हो जाएगा, इट वाज, या तो करो इट वाज मार्च या करो इट वाज द मंथ ऑफ मार्च, इट वाज मार्च या इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। सेकंड है 7:15 हुआ है तो 7:15, तो इट इज, अब 7 का मतलब ज्यादा, तो इट इज 4:15, है ना बच्चे, इट इज 7:15 या कह सकते हो इट इज 15, इट इज 7:15, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी इट वाज हो रही थी, इज होगा तो हो रही है, वाज हो रही थी, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। 6:00 है, अब बजने वाला है मतलब बजा नहीं है, बजने वाला है मतलब बजेगा, अभी थोड़ा सा कम होगा तो बजने वाला है, तो इट इज, है ना, अब बजने वाला तो इट इज 2:06 या इट इज अबाउट 2:06, इट इज अबाउट 2:06। अब 2 का मतलब कम होता है कि नहीं, तो इट इज अबाउट 2:06, 5:45 हुआ है तो कम है, इट इज 5:45, तो इट इज 5:45 कहो या इट इज 5:56 कहो, 6 के आसपास है, आसपास का मतलब ऊपर भी और नीचे भी, 2 मिनट ज्यादा हो सकता है 2 मिनट कम हो सकता है, तो 6 के आसपास है तो इट इज, और अबाउट कहो या ज्यादा बढ़िया अराउंड कहो, इट इज अराउंड 6, ना 2 लगाओ ना 5 लगाओ, इट इज अराउंड 6। 6:03 हुआ है तो देखो 3, 5 के मल्टीपल नहीं है तो यहां लगाना पड़ेगा मिनट्स वर्ड, तो इट इज, इट इज, जल्दी बोलो, इट इज, बहुत बढ़िया, 3 मिनट्स पास्ट 6, बहुत सुंदर। अभी 6 बजा है, जल्दी बोलो, इट इज जस्ट 6, अभी 6 बजा है, इट इज 6 राइट नाउ, इट इज जस्ट 6, क्लियर। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, बोलते हैं, और इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट पढ़ो, आगे देखते हैं। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप राइट या रॉन्ग करना, इट इज मी, इट इज आई, हाँ तो थोड़ी से, इट इज मी में कितने लोग, जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं पढ़ाई करो, मेरा वीडियो देखो मत, सीधा कलम कॉपी लेके बैठो पढ़ना शुरू कर दो, बोलो इट इज मी या इट्स मी, एक ही बात है, इट इज मी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलो इट्स मी या इट्स आई, कितने बजे इट्स मी में हाथ उठाइए, कितने बजे इट्स आई में हाथ उठाइए, तो बताया इट्स मी गलत है, इट्स आई सही, कैसे वो समझिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान दीजिए फटाफट, ईट के बाद, बच्चे ध्यान देना, ईट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, तो ईट के साथ इज लगाइए या वाज लगाइए, इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, इसके बाद कंजंक्शन चाहो तो हु लगाओ या दैट लगाओ, प्लस इसके बाद जो भी टेंस चाहो लगा दो, ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे हमने संदेश दिया, अभी हाल में क्वेश्चन पूछा था, अब इट इज यहां जो सेंस होता है, जैसे मान लो हमने कहा कि इट इज आई, तो इसका हिंदी होता है मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तो इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क, मैं ही तो हूं जिसने इस काम को किया है, इट इज आई हु हैव डन दिस वर्क, मैं ही तो हूं जिसने इस काम को किया
है ना। तो जहां भी आपको बोलना हो, इट इज आई बोले, इट इज यू बोले, इट इज तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, इट इज यू। मैं सोचना कि यू लगाया तो आर लगा दे, गलत हो जाएगा। तो इट इज यू हु हैव, अब हु इसके आंसर आ जाएगा, तो हु हैव स्टोलेन स्टोलेन माई बुक। तो इट इज यू हु हैव स्टोलेन माई बुक, वह तुम ही तो हो जिसने मेरे किताब को चुराया है। इट इज ही, इट इज हिम नहीं, इट इज ही हु हैव डन दिस मिस्टेक, इट इज ही हु हैव डन दिस मिस्टेक। इट इज यू, इट इज दे, इट इज देम नहीं, इट इज दे, इट इज यू, इट इज ही, राइट। तो इसको ध्यान रखना, अंग्रेजी बोलने में और लिखने में ये बहुत काम आता है। बात समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ तक? कोई डाउट? आगे देखते हैं एक और। ईट के साथ एक सवाल ध्यान रखना, ईट का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के साथ भी कर देते हैं। जैसे मान लो तुम्हें बोलना हो कि यह राम है, अब यह राम है प्योर लिविंग हो गया, अब यह राम है, तुम बोल सकते हो तुम इसको, इट इज राम, इट इज राम, यह कौन है? राम है, इट इज राम। मैं हूं, मैं हूं, इट इज आई, अभी से सिखाया आपको इट इज आई, तो मैं हूं, इट इज आई। या फिर आपको बोलना हो मैं ही हूं, मैं ही हूं, तो वहां भी इट इज आई बोलना है। तो इट का प्रयोग आप ज्यादातर नॉन लिविंग से तुलना में लिविंग में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो ये जो प्रयोग है, इट इज, इट इज राम, इट इज श्याम, इट इज मोहन, इट इज लता, इट इज प्रिया, इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, इट इज दे, तो मैं एक लिख रहा हूं, तुम हजार बना दो। और इसके साथ साथ ये पूरे भारत की आवश्यकता है, सिर्फ आपको नहीं पूरे भारत की जरूरत है इट का प्रयोग। क्योंकि बच्चे नॉर्मल यही जानते हैं कि इट का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के साथ, जबकि सच्चाई ये नहीं, इट का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरे भारत में हर बच्चों को दीजिए जिनकी इसकी आवश्यकता है, ठीक है। थैंक यू सब टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।